बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी। अब क्या हाल है व्यूअर्स, ठीक ठाक है? आज व्यूअर्स आपके लिए मैं यहाँ पर ब्यूटी अब मैं एक और बड़ी शानदार रेमेडी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा मौसम की मुनासबत से एक लोशन लेकर आई हूँ। जी हाँ, डे लोशन लेकर आई हूँ। ये इतना जबरदस्त लोशन है, जब आपने बनाकर अप्लाई करना है तो आपने बाजार तमाम लोशन को भूल जाना है, क्योंकि इतना जबरदस्त ये डे लोशन है। अब आपको बाजार से डे लोशन बाय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोशन ना सिर्फ आपकी स्किन को व्हाइटिश लुक देगा, बल्कि आपकी स्किन को नरम मुलायम बनाएगा, चिड़ियों का हाथमा करेगा, जितनी ड्राइनेस होगी उसको खत्म करेगा। इसके साथ साथ आप स्किन के ऊपर जो लाइंस पड़ती हैं, सर्दियों के विंटर के जो बुरे असरात पड़ते हैं स्किन के ऊपर, उनको रिमूव कर देता है। टैन के प्रॉब्लम से बचाता है, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ रखता है और ना सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज करता है बल्कि आपके मॉइस्चराइजर को लॉक भी करेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है बाजारी लोशन जो हम अप्लाई करते हैं उस वक्त आप स्किन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बट जब आप हैंड को या फेस को वॉश करते हैं उसके बाद तो पहले से ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है। लेकिन ये लोशन इतना बेहतरीन है, आप इसको हैंड या फेस वॉश करने के बाद भी इसका असर अपने फेस के ऊपर महसूस करेंगे। सो आए बातें करते हैं, हम शुरू करते हैं आज की रेमेडी। में आपको बताती चलती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास है रेड लेंटिल, मसूर की दाल। मसूर की दाल में आपको पता है कि वो मिनरल्स विटामिन भरपूर होते हैं, स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है, शाइन फॉर्म करता है और सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है। इसके बाद मेरे पास है बेसन 1 से 2 चम्मच। उसके बाद मेरे पास हनी है, रॉ हनी। उसके बाद ग्लिसरीन, विटामिन ई ऑयल जो की आपकी स्किन की रिपेयरिंग करेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट और नरम और मुलायम बनाएगा। उसके बाद मुझे इसमें ऐड होगा थोड़ा सा दही, योगर्ट। उसके बाद एक और चीज हमारे पास यहाँ पर है, हमारी हर रेमेडी का खास हिस्सा एलोवेरा चाय। लास्ट में मेरे पास है आलमंड फ्लोर। सो आज स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर मिक्सी में मैं डालूंगी सबसे पहले, इसके अंदर मैंने 2 स्पून दाल डाली और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेसन डाला है एंड 2 स्पून आलमंड पाउडर। अब हम सब चीजों को मिक्सी में डालकर मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक हम इसको चलाएंगे। जी वैसे देखिए हमारे लोशन की हाफ रेमेडी कंप्लीट हो चुकी है। मैं सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स किया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमारी कितनी अच्छी हमारे पास आ चुकी है। अभी आपने इसके अंदर 2-3 इंग्रेडिएंट और मिक्स करने हैं, फिर देखिएगा इसका कमाल। सो आइए इसको निकालते हैं और इसके अंदर दूसरी इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं। ये ना तो बहुत रनी है और ना ही बहुत थिक फॉर्म में, जिस फॉर्म में चाहिए यूसी भी हमें मिल चुका है। अब इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा ग्लिसरीन, विंटर की खास इंग्रेडिएंट। इसके बगैर कोई विंटर की रेमेडी कंप्लीट नहीं होती है। 1 टीस्पून आप इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर दें। विटामिन ई ऑयल जो आपकी स्किन की रिपेयरिंग करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट नरम मुलायम और ग्लॉसी लुक देता है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा एलोवेरा जेल और लास्ट में इसके अंदर थोड़ा सा हनी जाएगा। जी विवस, तो तमाम इंग्रेडिएंट इस बॉल के अंदर आ चुके हैं। ये देखें हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, तो हमारा बड़ा ही जबरदस्त डे लोशन रेडी हो जाएगा। आप इसको बनाकर 2 वीक के लिए अपनी फ्रिज में रखें, इसको निकाले गाय बगाए और डे में आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको इससे अच्छा लोशन मार्केट में नहीं मिलेगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी 1 से 2 मिनट तक, ताकि तमाम चीजें यकजा हो जाए। हमारा डे लोशन रेडी हो गया, देखिए कितनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी में हमारे पास आ गया। आए हम इसको एक छोटी सी डिबिया में जार में इसको सेव कर लेते हैं। आप इसको बनाए इस तरह बनाकर अपने पास रखें, अपने रूम में रखें, अपनी फ्रिज में रखें। रूम टेम्परेचर पर तो ये 1 से 2 दिन निकलेगा, बट आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये आपका काफी देर तक ये आपका चल जाएगा। देखिए इस तरह आपने बनाना है, इसको लेना है थोड़ा सा और इस तरह अपने हैंड या अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करें। जी बस, तो देखिए मैंने हैंड को वॉश कर लिया, ठीक है। मैंने 1 से 2 मिनट तक इसका मसाज किया, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। ये बड़ा ही जबरदस्त मॉइस्चराइजर लोशन है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ करेगा, आपको मॉइस्चराइज करेगा। ये घरेलू होम रेमेडीज जो होती है ये बहुत बेस्ट होती है, इनसे आप बनाते हैं तो इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसी तरह बनाकर विंटर में अपने लिए रख सकते हैं और इसको डेली निकालकर दिन में 1 से 2 दफा यूज कर सकते हैं। 15 दिन के बाद देखिएगा आपकी स्किन किस कदर खूबसूरत ग्लॉसी और चमकदार खूबसूरत हो जाएगी, निकली निकली हो जाएगी, आपको खुद फील होगा। सो मेरी आज की रेमेडी यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी डिफरेंट रेमेडी के साथ फिर आऊंगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।